हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि डेढ़ाज ब्लॉग। कैसे हैं सब? गर्म पानी पी लीजिए। तो ये हमारी आदत है, मतलब मेरी, जब से काना हुआ है उसके बाद से जब मैंने वेट लॉस करा है तो गर्म पानी के, आपने देखा ही होगा मेरे हमेशा व्लॉग्स में, मॉर्निंग की स्टार्टिंग करती हूँ गर्म पानी से और शाम को वॉक। ये दो चीज़ें हैं जो मुझे वेट लॉस में, मतलब मेंटेन रखने में, वेट को हेल्प करती हैं, अच्छा रहता है। तो अभी बारिश वाला मौसम है, इस मौसम से लेके नेक्स्ट जब तक समर स्टार्ट होंगे ना, तो आप डेली, मतलब रूटीन से घर में भी नॉर्मली गर्म पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी वगैरह पी सकते हैं, जिस दिन में जितना हो सके वार्म वाटर, ऐसे नहीं होगा बहुत गर्म जैसा, बट हल्का गुनगुना पानी हर टाइम वो पी सकते हैं। और सुबह शाम खाने के बाद पानी में नींबू डाल के वो ले लीजिए एक दो बार, ग्रीन टी दो बार, तो उससे आपके वजन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, मेंटेन रहेगा। इसलिए मुझे कई दिन से मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा चलिए आज शेयर ही कर देती हूँ। और अभी खाना सो रहा है, ये सो रहा है, इसको उठाती हूँ, आज इसकी क्लास है। तो आज बन रहा है बैंगन का भरता, यहाँ इसका पेस्ट कर लिया है, ये है, और इसी में मैं चॉप कर रही हूँ साथ के साथ, लहसुन अदरक भी इसमें चॉप कर रहे हैं, टमाटर हो रहे, प्याज भी इसी में चॉप कर लिए हैं चॉपर में, और इससे ना भी इजीली हो रहा है। और ये आटा है दाल वाला, कल दाल बनाई थी ब्लैक वाली मल का, तो उसका आटा इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, इसके पराठे बैंगन के भरते के साथ। तो बैंगन में मस्टर्ड ऑयल लगा के उसको रोस्ट करने से इसका छिलका इजीली निकल जाता है, मैंने निकाल लिया। अब उसको इस तरह से चॉपर में करेंगे, एकदम महीन सा पेस्ट बन जाएगा, जो थोड़े चंक से आते हैं ना वो नहीं आएंगे, काफ़ी अच्छा पेस्ट बन गया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा तो मुझे ये चॉपर बहुत अच्छा लगा इसके यूज़ के लिए, जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले मंगाया था। गाइज, मैं आपके साथ ना आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा मैंने थोड़े दिन पहले अभी बताया था मेरे फेस पे काफी पिंपल्स वगैरह हो गए थे, और मुझे काफी ज्यादा डीएम भी आते हैं कि अपने फेस पे आप क्या लगाते हो, या हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मतलब स्किन के, हेयर के रिगार्डिंग। मैंने आपके साथ एक ऐप शेयर करा था क्योर स्किन, जहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनते हैं, उनको सॉल्व करते हैं जो भी होती हैं, जैसे कि मैंने भी उनसे कंसल्ट करा था। तो वहाँ पे कंसल्ट करने का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप भी फ्री में डाउनलोड कर देंगे आप, मैं आपको लिंक दे दूंगी, उसके थ्रू जाके आप ऐप फ्री में डाउनलोड करेंगे, ठीक है, कंसल्ट करेंगे, वो भी फ्री में है, बताएंगे आपके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान वगैरह, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम है फेस की या फिर स्किन की या फिर हेयर वगैरह की, तो वो वहाँ पे आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके आपको परचेज करना है। मेरे को उन्होंने बताया था, तब तक मेरे प्रोडक्ट्स नहीं आए थे, सिर्फ मैंने आपको ऐप के बारे में बताया था। तो बहुत लोगों ने पूछा था, उन्होंने ऐप डाउनलोड करा और मुझे बताया भी था कि हमने वहाँ से लिए हैं, उन्होंने हमें ये प्रोडक्ट्स बताए हैं, ठीक है। तो मेरे भी प्रोडक्ट्स आ गए थे उसके थोड़े दिन बाद, फिर मैं दिखाना भूल गई। तो ये है क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स, इस तरह से पैकिंग में आएंगे वो मेरे पास जो आए थे। ये मेरे लिए है, सबके लिए अलग अलग होंगे, मीन्स मिलते जुलते, जैसे हो सकता है किसी को मेरे जैसी प्रॉब्लम हो तो ये भी आ जाए, बट मोस्टली सबको वो उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके भेजेंगे, जिसको जो प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज है, जैसे कि बता देते हैं हम मार्केट में ये मिल रहा है सुपर मार्केट में से, आप ये ले आइए ये अच्छा होगा, वो नहीं है, वहां पे आपको जो भी है आपके स्किन के अकॉर्डिंग वो देंगे, ठीक है। तो मुझे आया था एक फेस वॉश, ये है क्योर स्किन का फेस वॉश, ये है एक सनस्क्रीन, आपने देखा ही होगा मैं हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करती ही हूँ, तो ये सनस्क्रीन आई, इसको मैं मॉर्निंग में सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती, बहुत लोगों को लगता होगा सनस्क्रीन बाहर जाने के लिए, नहीं, मैं घर में रहती हूँ, जैसे किचन में काम करती हूँ, तो उठ के नहा के तब मैं सबसे पहले सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और यूज करती हूँ, बट मैं सनस्क्रीन ही अप्लाई करती हूँ तो अपने फेस पे। इससे एक तो ये बेनिफिट है, हीट नहीं लगती, स्किन इवन रहती है ना, काफी अच्छा है ये है। और जो मैंने स्पेशली उनसे कंसल्ट करा था,
मेरे जहाँ पे एक्ने के मार्क्स थे उनके लिए, तो उसके लिए मेरे को दो तीन छोटी छोटी क्रीम्स हैं, एक जेल है एक क्रीम है, इनको मिक्स करके लगाना जो किए हैं। तो इस तरह के उन्होंने प्रोडक्ट भेजे हैं और मुझे प्रॉपर बताया किस तरह से, फिर मैंने ये यूज़ करे, ठीक है। अब मुझे ना एकदम से कुछ दिखा नहीं रिजल्ट, तो हमें क्या होता है, हम जैसे कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं और हमें लगता है फटाक से कि यार कुछ नहीं दिख रहा और पिंपल्स कम हो रहे हैं, पर मार्क्स वगैरह नहीं जा नहीं रहे बहुत जल्दी। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको लॉन्ग टर्म में करना पड़ता है ना यूज़, तो भी वो थोड़ा सा इफेक्टिव होती है। तो उनका पहले ही जब आप करेंगे तो वो बताएंगे, कम से कम मिनिमम डेढ़ महीने का वो हमें ये भेजते हैं, वो आपको यूज़ करना जाएंगे। जैसे आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो भी वो आपसे ऐसे ही बोलते हैं कि आपका कोर्स चलेगा 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का। उनका मतलब यही होता है कि इतने टाइम रिपीट होंगी मेडिसिन तब ये जाके ठीक होगी चीज़ें। बहुत से लोग करवाते भी, उनको पता भी होगा, तो सेम यही है। तो मैंने तभी पूछ लिया था उनसे, जैसे हमें रहता ना कि अभी मैंने ये ले लिया है, प्रोडक्ट्स आ गए हैं और मैं यूज़ भी कर रही हूँ, हफ्ता भी हो गया है और मुझे कुछ ऐसे नहीं कि ये जैसे मार्क्स है और फटाक से गायब हो जाए, मन में ये रहता ही है कहीं ना कहीं, है ना। और खासकर लड़कियों के तो ये रहता ही है कि अब मैंने कोई चीज़ यूज़ करनी शुरू कर दी है, 2-3 दिन में एकदम से मुझे इंस्टेंट रिजल्ट दिखे, तो वैसा नहीं है। उन्होंने मुझे बताया, फिर उन्होंने मुझे ढंग से बताया कि अगर ये ऐसे काम नहीं कर रहा है तो आप इसको इस तरह से, इनको फिर बताया कि किस किस तरह से यूज़ करना है। तब मैंने उसको प्रॉपर वे में यूज़ करना स्टार्ट करा और मुझे थोड़े दिन में मतलब फ़र्क दिख रहा है, आप भी देख रहे होंगे मेरी स्किन पे। जब मैंने आपको शो करी थी मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वगैरह हो गए थे, एक्ने मार्क्स थे यहाँ पे, पिंपल्स वगैरह के निशान थे, बट अब थोड़े धीरे धीरे ये थोड़े हल्के लाइट होते जा रहे हैं, मुझे पहले से फ़र्क दिख रहा है, जैसे 18-20 का, कि हाँ पहले थोड़े डार्क थे अब थोड़े लाइट होने स्टार्ट हुए हैं। बट आगे आगे यूज़ करती रहूँगी, मे बी इनका रिजल्ट दिखता रहे। तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी क्योर स्किन का, वहाँ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपके हेयर फॉल की, स्किन की, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। जो प्रोडक्ट आएंगे वो आपको बता देंगे, आपको वो पे करने हैं वो आपके यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद भी आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी है डॉक्टर खुद से आपको कॉल करेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। इस तरह से आप क्योर स्किन से बात कर सकते हैं। क्योर स्किन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक्स डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं है, मैंने बता दिया, बात करने के कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री है, ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग मतलब सेम प्राइस नहीं होगा किसी का भी, आपको जो प्रॉब्लम है वहां पे फोटो खींचनी है ये मैं सब बता चुकी हूँ, आपको पिक लेनी है साइड से फ्रंट से जहां की भी, अगर आप बालों की है तो उसकी या जैसे भी है, वहां पे ऑप्शन रहते हैं कि किस चीज़ की आपको क्वेरी है और किसके रिगार्डिंग, फिर आपको वही पिक अपलोड करनी है, फिर वो अच्छे से एनालाइज करते हैं, फिर आपको वो चीज़ प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं, फिर आपको वो परचेज करने हैं। तो प्रोडक्ट भी सबके अपने अकॉर्डिंग होंगे, और सिर्फ एक ऐसा नहीं है, एक फेस वॉश दे दिया मैंने आपको दिखाया, 4-5 चीज़ें हैं जो लगाने की हैं, सुबह अलग शाम को अलग या जो भी है, क्योंकि जो आपके फेस पे काम करेगा वही वो देते हैं। तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को और वहाँ से बात कर सकते हैं, डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान भी देंगे और आपको ये तो मिलेगा ही, आपको रिजल्ट अच्छा दिखेगा। देखा अभी बारिश का मौसम था, मैं देख के आई तो अभी फ्री हो गई थी मैं सुबह के नाश्ते वास्ते से, वो भी आपने देख ही लिया, आज बना था बैंगन का भरता दाल के पराठे, तो उसकी रेसिपी इसलिए जल्दी जल्दबाजी में शेयर नहीं हो पाती और कई बार इसीलिए चक्कर में ना ये हो नहीं पाता, क्योंकि कान्हा की क्लासेस होती हैं सुबह सुबह, मुझे वो भी दिलाने होती है, नाश्ता देता है। तो अब मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करूँगी, आज है बारिश का मौसम है ना, तो चाय के साथ के लिए मैंने सोचा अभी तैयारी कर लेती हूँ, डिनर की थी तो दाल के पकौड़े, और कौन कौन सी दाल के हैं आइए आपको दिखाती हूँ। मैंने ले ली है दो तरह की दाल, एक है चने की दाल और एक है मूंग की दाल, तो सिंपल ही पकौड़े वो बनते हैं, आपको नहीं देखा होगा राम इसके तो होते हैं राम लड्डू जो मूंग की दाल के होते हैं ना, और ये चने की दाल के। एक बार मैंने इसकी लास्ट ईयर टिक्की भी शेयर करी थी अपने चैनल पे, आपको याद हो, नॉन स्टिक थी बिल्कुल पैन पे बनाई थी, पर इस बार मैं बनाऊंगी इसको थोड़े पकौड़े स्टाइल में ही क्योंकि बारिश का मौसम है ना। तो ये मूंग की दाल है, इसको लिया है मैंने, ये है 250 ग्राम, ये भी 250 ग्राम है, दोनों एक एक पाव है, 250 ग्राम है, इनको पहले सोक कर देंगे 1-2 घंटे, ये भीग जाएंगी, फिर इनको ग्राइंड करके और सिंपल इसकी पकौड़ी बन जाएंगी। तो गाइज अभी मैंने वहाँ पे दाल भिगो दी है दोनों तरह की, इनका ये बनाएंगे, यहाँ पे मैंने ले ली है 100 ग्राम इमली, इसकी हम चटनी बनाएंगे और बनाएंगे साथ में हरी चटनी, दोनों तरह की चटनी, क्योंकि आप जानते नहीं मैं कितनी टैलेंटेड कुछ है, जब मेरा मन करता है ना, मतलब जब मेरे अंदर का शेफ जागता है तब मेरा मन करता है मैं कुछ अच्छा सा बनाऊँ खाऊँ, ठीक है, और सबको खिलाऊँ,
जैसा मेरा मन होता है आज फ्री थी तो सोची थोड़ी सी चलिए व्लॉगिंग करते हैं अपनी। और मोस्टली मुझे इसी के लिए शिकायत आती है और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स ही पसंद आते हैं, आप बोलते भी हैं डेली व्लॉग बनाया करो, फिर भी मैंने थोड़ा सा मिस हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं बनाती हूँ, आज रेसिपी शेयर करूँगी तो नेक्स्ट कल वाली वीडियो में ये आएगी। में से लोग आप में से जो भी इसे ट्राई करेंगे आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब फटाफट पानी गर्म कर लेते हैं और इमली भिगो देते हैं। तो मैंने अपने लिए ऑनलाइन मंगाई है एक चप्पल, ये आ गई थी काना को, लगा शायद उसका कोई टॉय आया क्योंकि ये हमेशा एक टॉय वगैरह की डिमांड करते रहते हैं, बट उसने देखा ये मेरी चप्पल है वो भाग गया। मेरे को ये चप्पल अच्छी लगी थी, कहाँ से ली वो मैं आगे किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। ये मैंने देखी मुझे अच्छी लगी इस टाइप की, मेरा मन था और जैसे ही मुझे मिली मैंने फटाक से ये मंगा ली। तो यहाँ हमने ये ले लिया है इमली और इसके पल्प को भिगो दिया। यहाँ मैंने लिया चीनी, लाल मिर्च, ज़रा सी हींग, नमक। यहाँ मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया है, बहुत थोड़ा सा है, काली मिर्च भी है, जीरा पाउडर मैं अभी भून लूँगी और साथ के साथ लूँगी इसमें काला नमक। तो अब इमली के पल्प को एक बर्तन में छान लेंगे छलनी की हेल्प से, ठीक है, और हाथ से अच्छे से मैश करके इसका जितना पल्प हो उसके उतना निकाल लेंगे, सिर्फ बीज और एक्स्ट्रा जो इसका है वो छोड़ देंगे। अब इसको उबलने के लिए, बॉयल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ, मेरी 100 ग्राम इमली थी एक कटोरी में, जितनी आई थी उतनी ही मैंने चीनी ली है, डाल दिया मैंने चीनी उसमें सबसे पहले। हाँ, 100 ग्राम इमली थी तो 100 ग्राम ही मैंने चीनी ली है और उसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। फिर उसमें गरम मसाला छोड़ के हींग, नमक और लाल मिर्च डाल देंगे पहले, और जब इनको अच्छे से एक बॉईल आने तक रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम काला नमक भी ऐड कर देंगे और मैंने इसमें डाला था अनारदाना पाउडर, मेरे पास था, मैंने वो भी ऐड कर दिया, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आया था। इसकी थिकनेस शायद उसी से हो गई थी। लास्ट में इसमें गरम मसाला ऐड करा और बाद में हमने डाले मगज, खरबूजे के बीज। बस यही इसकी रेसिपी है, यही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सिंपल सी है और 15-20 मिनट में बन जाती है। तो इमली की चटनी बन गई है, देखिए कितनी थिक बनी है और बहुत ही देखने में यमी है। अभी इसको जब खाएंगे तो पता चलेगा। तो अब बना रही हूँ मैं चटनी, उसके लिए लिया मैंने लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और हरा धनिया, ये डालूंगी इसमें, और नमक डलेगा, थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी, बस यही सिंपल। तो हरी चटनी, इमली की चटनी रेडी है। जो चटनी का बनाया था उसी में मैंने साथ में दाल पीस ली है और दाल में मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ इसमें नमक ऐड करा था और साथ में इनको ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। इसमें अब हमें बाद में सिर्फ इसमें आलू प्याज अपनी पसंद के, जैसे आप पकौड़े बनाते हैं मिक्स पकौड़े, जो भी आप ऐड करना चाहें उसको ऐड कर लें, लेकिन दाल मैंने दोनों अलग अलग ग्राइंड करी हैं, उनके अलग अलग पकौड़े बनाएंगे, मिक्स नहीं करी हैं। कमेरी का दिन नहीं, बीच में आकर कर लगी।
अब तो खाली फाइनली तो पतिदेव प्राणनाथ बताइए कैसे बने कैसा लग रहा है चटनी चटनी जो है मतलब राजमा चावल इतनी बड़ी चीज हो गई जो घर में नहीं बन सके मैं तो कुछ कर ही नहीं।